center can give to resolve this crisis. Right. Sir, another question is this, that yesterday we saw Congress protesting at the Delhi Secretariat. Today we have seen the Aam Aadmi Party people going all the way to Dr. Harshvardhan's place and protesting there. How do you see this politics over power, sir? Well, it's very unfortunate that both the Congress and the Aam Aadmi Party, who have run government for far longer than we, who have been in government only for 2 weeks, are only exposing their own failures to resolve these type of problems. The Congress has been in power for 15 years in Delhi. In 15 years, they did not invest to take care of the ever-increasing demand. And today, the citizens of Delhi are facing this crisis thanks to their ineptitude. I think the citizens appreciate the fact that Delhi government had failed in its duty, and which is why they gave a very stringent verdict against the Congress. Right. There is another thing which is coming up, sir. That is power for elite. ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे. आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने एक बैठक बुलाई है बिजली संकट को लेकर. उप राज्यपाल और अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, लेकिन सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये सवाल किया कि 15 सालों तक दिल्ली के सत्ता पर काबिज रही है कांग्रेस, लेकिन उसने बिजली को लेकर किया क्या. पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे. वहीं दिल्ली पर दोहरी मुसीबत है. एक तरफ गर्मी 62 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है तो दूसरी ओर 6-6 घंटे बिजली कटौती हो रही है. और सरकार की माने तो बिजली के इस संकट से अगले 25 दिनों तक दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलने वाली है. आखिर दिल्ली के बत्ते गुल होने के पीछे वजह क्या है, देखिए ये रिपोर्ट. दिल्ली के पास बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली बिजली संकट से जूझ रही है. बिजली कटौती ने दिल्ली का जीना मुश्किल कर दिया है. आखिर दिल्ली पर बिजली संकट आया कहां है? क्यों दिल्ली सड़कों पर सोने को मजबूर है और बिजली की आंख मिचौली कब तक चलेगी? आज दिल्ली बिजली से जुड़ा हर एक सवाल सीधे दिल्ली के मुख्य सचिव एस के श्रीवास्तव से पूछ रही है. दिल्ली का पहला सवाल, दिल्ली में बिजली कटौती क्यों हो रही है? तूफान एक आया था 30 तारीख को, उसके बाद काफी बिजली की व्यवस्था में प्रॉब्लम हुई है, खासकर ईस्ट दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, वो सेंट्रल दिल्ली में. दिल्ली का दूसरा सवाल, बिजली की आंख मिचौली कब तक चलेगी? कहते तो है लोगों के लगेगा 20-25 दिन लगेंगे, लेकिन हम उसको टेम्पररी हमने उसको चालू किया हम लोगों ने. दिल्ली का तीसरा सवाल, बिजली कटौती की जानकारी क्यों नहीं देते? लोग सहमत हैं कि हमने सिटी पावर भी हमारे साथ थे तो उनसे कहा हमने कि जब लोड शेडिंग होती है तो पब्लिक को मालूम हो जाए तो अच्छा रहता है कि एक घंटे लाइट नहीं आएगी तो हम लोग शांत रहेंगे. अनसर्टेनिटी तकलीफ देती है, तो यही सब लोग जिक्र कर रहे थे. दिल्ली का चौथा सवाल, बिजली संकट से कैसे निपटेंगे? आदेश ये है कि 10 क्योंकि ये बताया गया है कि 3 से 5 दोपहर में और 10 से 1 रात में सबसे अधिक कंजम्पशन होता है लाइट का, तो ये डिसाइड हुआ कि 10 बजे मॉल्स को बंद कर दिया जाएगा. ये ऑर्डर है, मैं उनकी बिजली नहीं दी जाएगी. दूसरा जो हाई मास लाइट है, स्ट्रीट लाइट सब रहेंगी, हाई मास लाइट में खर्चा बहुत होता है, उसको हम 10 बजे बंद कर देंगे. और ये हमने डिसाइड किया कि 3:30 से 4:30 सभी ऑफिसेज में एसी काम नहीं करेंगे, तो क्योंकि पीक टाइम है 3 से 5, तो इससे हमको विश्वास है कि हम लोग कुछ लाइट बचा पाएंगे और उसको सप्लाई कर सकेंगे पब्लिक को. दिल्ली का पांचवा सवाल, सप्लाई करने के लिए बिजली की कमी तो नहीं? देखिए पावर की जितनी रिक्वायरमेंट उससे अधिक पावर मिल रही है हमको. जैसे पावर रिक्वायरमेंट मान ली 5200 है मेगावाट, तो 5200 मेगावाट मिल रहा है हमको. उनली उसको कैसे सप्लाई करें लाइन में, जो 3 जगह मेजर लाइन हमारी जो डैमेज हुई है, बामडोली वगैरह में, पप्पन कला में. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज. वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि बिजली कटौती से अगले 25 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी. दिल्ली के मुख्य सचिव की माने तो खस्ताहाल लाइनों को ठीक करने में वक्त लग रहा है. दिल्ली पर दोहरी मुसीबत है. एक तरफ गर्मी 62 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, दूसरी तरफ 6-6 घंटे हो रही बिजली की कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है. रात में लोग जगकर समय काटने को मजबूर हैं. दिन जलाता है,
रात रुलाती है। दिल्ली पर डबल टॉर्चर, लगता है जैसे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को किसी की नजर लग गई। दिल्ली पर चारों तरफ से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। हर एक दिन के साथ सूरज और भी ज्यादा प्रचंड होता जा रहा है। बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसमें कूलर चलाते हैं, कूलर में भी बिजली भी कम आती है, तो कूलर भी ना के बराबर आराम से मच्छर की चाल चल रहे हैं। कूलर भी तो गर्मी से बहुत परेशान है। जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो आगे पे और गर्मी बढ़ेगी, और जहाँ तक कूलर इसी की बात है वो तो लाइट आएगी तब चलेगी। मैं गर्मी से बचने के लिए मैक्सिमम पानी पे डिपेंड, नींबू पानी, नारियल पानी डे में कोशिश करता हूँ कि कम से कम 3 या 4 बार यूज करूं। वहीं बिजली ने दिल्ली का दर्द दोगुना कर दिया है। जिस शहर में 24 घंटे बिजली रहती थी, वहां बिजली अब आंख मिचौली का खेल खेल रही है। रात से लेके अभी तक तो लाइट आई नहीं है, रात 2 बजे की लाइट गई हुई है, जब से अब तक कोई लाइट का कोई वही नहीं है। कंप्लेंट वगैरह भी करो तो कोई सुनवाई नहीं होती। दिल्ली का हाल तो यूपी से भी बुरा होता जा रहा है। दिन में तपती छतें चैन छीन रही हैं, तो रात में बिजली सोने नहीं देती। लाइट नहीं है, लाइट के बिना परेशानी तो है ही बहुत, और सबसे बड़ी परेशानी है कि पानी नहीं है। जब लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है। 1 घंटे के लिए पानी आता है, लाइट तो बिल्कुल है ही नहीं। दिन में मुश्किल 4-5 घंटे लाइट आती है। दिल्ली का दर्द फिलहाल कम नहीं होने वाला है। गर्म हवाओं से लोगों को राहत मिलने के आसार कम है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने शहर का तापमान बढ़ा दिया है। इस हफ्ते दिल्ली में लू के थपेड़े लोगों को और तंग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में 2 डिग्री तापमान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और बढ़ने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली वालों और बिजली की दूरियां भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आने वाले दिनों में बिजली दिल्ली को ऐसे ही परेशान करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मॉनसून आने में देरी है, ऐसे में बड़ा सवाल यही है, बिजली संकट अगर ऐसे ही गहराता रहा तो लोगों का क्या हाल होगा, आसानी से समझा जा सकता है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर हंगामा किया गया है। बिजली के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का हंगामा एक ओर शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ जनता हलकान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। मुख्य सचिव की बातों ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। सीधे रुख करेंगे हम दिल्ली के गांधीनगर का, जहां से इस वक्त हमारे साथ रजनीश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रजनीश, लोगों का हाल बुरा हो चला है, अगर आपके साथ कुछ लोग मौजूद हों उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए अपने आप को इस संकट से दूर रखने की कोशिशें कैसे कर रहे हैं लोग। अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। बताने की जरूरत नहीं है कि एक तरफ जब गर्मी बढ़ती हुई चली जा रही हो, दूसरी तरफ बिजली भी गुल हो, तो लोगों का हाल क्या हो रहा होगा। फिलहाल